सुनेना, हमें बताओ ये किया किसने? बताओ ना सुनेना। इस महल पर किसी की बुरी नजर है, देख लीजिए, यही है वो। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुनेना को हाथ लगाने की? तुम बताओगे, हम बताएं ऐसे? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे अधिराज। अधिराज! ये सारी कोशिशें बेकार हैं तुम्हारी, क्योंकि मैंने तुम दोनों के बीच एक ऐसे जादुई बुलबुले का निर्माण किया है जिसके कारण वो तुम्हें देख ही नहीं सकता ना सुन सकता है। रानी साहिब अरुत्तरा का सपना पूरा हो, अधिराज और मेरी सुनेना कभी भी अलग ना हो। हे अंबे माँ, मेरी दीदी जहाँ पर भी हो उनकी रक्षा करना। इसे देखो चंद्रलेखा, कितना बेचैन हो रहा है और अभागा भी। तभी तो मैंने इसके पिता को मार दिया और इसको इसकी माँ से अलग कर दिया, और अब इसकी पत्नी से भी। जीवन भर ढूंढता रहेगा अपनी सुनैना को, मगर इसकी सुनैना तो हमेशा के लिए गई। मेरी चंद्रा को वो मिलेगा जो वो चाहती, और मुझे जो मैं चाहता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गायब हो गए, किसी ने देखा भी नहीं उसे। उसने हमें वचन दिया था कि वो इस महल से कभी नहीं जाएगी, तो फिर क्यों गई वो? अधिराज, हमने पति पत्नी होकर कभी दंपत्य जीवन नहीं निभाया है, पर मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पति के रूप में तुम मिले। और मैं अपनी आखिरी घड़ी में अंबे माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में पति के रूप में तुम ही मिलो और तुम्हारा प्रेम मिले। मेरा ये समर्पण हमारे प्रेम के नाम। आखिर प्रेम का दूसरा नाम समर्पण ही तो है। कहीं ये सुन ली, कहीं ये उसने वर्ष, अगर तूने हमारी सुनेना को हाथ भी लगाया होगा तो अंबे माँ की शपथ, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मोम जैसी कोमल लड़की को चुनवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें।
जो रानी माँ के रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। इस आफत का अंत हुआ, अब मेरी जीत की शुरुआत होगी। स्वराज, ये सारी चीजों को अदृश्य कर दो। जी मासी। ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनैना यहीं कहीं है? सुनैना, 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 कहाँ हो तुम? सुनैना, सुनैना, सुनैना। इस माले को पहनने से पहले तुम्हें अपनी माले को उतारना पड़ेगा। नहीं, मैं इसे नहीं उतार पाऊंगी। ये कुंडा तो सुनैना का, सुनैना तो एक क्षण के लिए भी इस अंबे माँ के कुंडे को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। सुनैना यहीं कहीं होगी। सुनैना, सुनैना, कहाँ हो तुम? देवी सर्वभूतेषु शुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्ध रूपेण संस्थिता हमें सुनने ये दीवार तो कच्ची है, इसका मतलब इसे अभी भी बना है। कहीं हमारी सुनैना, 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 तुम हमें सुन पा रही हो? सुनैना, अधिराज, अधिराज, मुझे यकीन था
अम्बे माँ मेरे अधराज को जरूर भेजेगी मुझे बचाने के लिए। अधराज सुनना, सुनना, हम आ गए सुनना। ये सब क्या है, क्या हुआ तुम्हें? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सब किया किसने? बताओ सुनेना। दानश, माना कि बहुत प्रसन्न हो, पर अपनी सारी प्रसन्नता क्या आप भोजन के माध्यम से ही दिखा दोगे? थोड़ा आराम से खा लो। आज मुझे मत रोको चंद्रा, आज चैन से खा लेने दो मुझे, क्योंकि आज मुझे दुगनी खुशी है। पहली खुशी इस लड़की को खत्म करने की, और दूसरी खुशी तुमसे कुछ मांगने की। याद है ना अपना वादा? कैसा वादा माँ? चुप हो जा कनक। क्या, कौन सा वादा? मैंने कहा था तुमको कि जब मैं अपना काम कर दूंगा उसके बाद तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो सुनेना, हम आ गए, हम सब सब ठीक कर। बेटा ये क्या हो गया इसे? पता नहीं माँ, पर आप इसकी हालत तो देखिए, इसका शरीर पत्थर का बन गया। ये कैसे संभव है माँ? सुने ना, हमें बताओ ये किया किसने? बताओ ना सुने ना। हम तो
आप? हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसा कर सकते हैं। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? तुमने क्या, ये क्या बोलेगा माँ? इसकी सूरत ही इसकी सीरत बयां कर रही है। और तुम्हारी तो बातें सुनकर ही हमें अंदाजा हो गया था कि हमारे पिताश्री तुम जैसे लोगों से मित्रता कर ही नहीं सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुनैना को हाथ लगाने की? ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि किसी के कहने पे किया है। तुम बताओगी, हम बताएं ऐसे? ये सब जिसने किया है वो मैं नहीं, बल्कि ये चंद्रू। इस धोखेबाज डकनी को सबक सिखाना ही होगा। तुम रुको अधिराज, ये सब उसने नहीं, मैंने किया। मैंने किया ये। मैं इसे देखता हूं। आपने देखा इसे? या तो ये कोई जादूगर है या मायावी दानव। मैंने देखा ये अपनी आंखों से हमारे ऊपर जादू कर रहा था, और शायद इस माता रानी की कुंडली की वजह से उसका असर हमारे ऊपर नहीं हो पाया। हमने कहा था ना आपसे, इस महल पर किसी की बुरी नजर है, देख लीजिए यही है वो। छोड़िएगा मत आप इसे। एक तो हमारे पिताजी का नाम लेकर के इस महल में घुसा है, और ऊपर से इसी महल के अंदर आग लगा रहे हो। तुम जैसे नीचों को हमारे महान पिताजी का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और हम सब समझ गए। तुमने जो कुछ हमारे पिताजी के विषय में कहा था वो सब झूठ है। ऐसा क्या जान लिया इसने अपने पिता के बारे में? ठीक कर इसे। तुमने कहा ठीक करो इसे, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकता है। हमने कहा ठीक करो इसे। तुम इस लड़की को पत्थर बनाना चाहती थी ना, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगा। धोखे के बदले धोखा। निकाल ठीक करो इसे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मैं नहीं। तुम्हारी ने कहा ठीक करो इसे अभी।
हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे सुनैना। मासी आप इसके पांव को मलो, रक्त संचार बढ़ेगा। कनक तुम पंखा दो जल्दी। कार्य में सफल नहीं हुए। मेरी 21 साल की मेहनत पर मैं पानी नहीं फेर सकती, किसी के लिए भी नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या? मेरा ख्याल रखना, मेरी माँ की तस्वीर को यहाँ लेकर आना, मुझे उस जादूगर से बचाना। क्यों? इंसानियत के नाते हम ये सब कर रहे हैं। मेरी जगह कोई और होता उसके लिए भी ये सब करते। बोलो अधिराज। हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम पत्नी हो हमारी।